अब से कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और इस योजना के क्या बेनिफिट है, इस योजना की जो भी डिटेल है वो मैंने उस वीडियो में बताई थी। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है मैं उनको इस योजना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पीएम सूर्य घर केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें आपके घरों पर केंद्र सरकार के द्वारा सोलर प्लेट लगवाई जाती है और सोलर प्लेट लगने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी भी दी जाती है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और YouTube पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मैंने जब आपको फॉर्म भर के बताया था तो मैंने खुद का घर का अपना फॉर्म भरा था। अब हमको योजना का अप्रूवल मिल चुका है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको क्या करना है, कैसे सोलर प्लेट अपने घर पे इंस्टॉल करानी है, आपको पैसा कितने दिन में आएगा, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना है, तो आज की वीडियो में ये सभी डिटेल आपको मिलने वाली है। आगे का प्रोसेस जानने के लिए हम गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आ जाते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको योजना के बारे में ज़्यादा जानना है आप वेबसाइट पर भी जान सकते हैं, या जो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ पर भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का यहाँ पर लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर फ्री में सोलर पैनल लगवाना या सब्सिडी देना। अब योजना को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का। हम पहले योजना को अप्लाई कर चुके हैं तो हम जाएंगे लॉगिन वाले सेक्शन में। लॉगिन वाले सेक्शन में जाने के बाद जब आपने योजना को अप्लाई किया होगा तो उस टाइम एक मोबाइल नंबर डाला होगा, मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पर आप फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं फैसिबिलिटी अप्रूवल लिखा हुआ यहां पर आ चुका है और इस पर टिक बना है। अगर आपका अभी तक अप्रूवल नहीं होगा तो यहां पर पेंडिंग होगा, हमारा अप्रूवल हो चुका है इसलिए हमारा यहां पर टिक बना हुआ आ चुका है। अब आगे का प्रोसेस क्या है, आपको यहां पर आगे क्या क्या करना है, क्योंकि यहां पर और भी स्टेप बाकी है। जैसे यहां पर सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल है, इंस्पेक्शन स्टेटस है और उसके बाद जो कमीशन या जो पैसा जो सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी उसका स्टेटस यहां पर आपको पता लगेगा। और यहां पर लेफ्ट साइड में यहां पर आप देख सकते हैं कि आपने फॉर्म कब फिल किया है, उसके बाद आपका अप्रूवल कब आया है और उसके बाद आपको आगे क्या क्या प्रोसेस करना है। यहां पर मैं आपको अप्रूवल का सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूं। जब आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ आ जाएगी। पीडीएफ आपकी कुछ इस तरीके से होगी, यहां पर आपकी सभी डिटेल होगी इसमें जो भी आपने उस टाइम फिल की थी, जैसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपकी बिजली कनेक्शन का यहां पर नंबर और नीचे यहां पर रिमार्क में लिखा हुआ आ चुका है TFR अप्रूव्ड, यानी आपकी जो योजना है आपका फॉर्म है अप्रूव हो चुका है। अब अप्रूवल मिल जाने के बाद आपको आगे क्या करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा है सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, यानी अप्रूवल मिलने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन डिटेल फिल करनी है, यानी जो सोलर प्लेट आपने अपने घर पर लगवाई है, अपनी छत पर लगवाई है उसकी डिटेल को यहाँ पर सबमिट करना है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। लेकिन सबमिट तो हम करेंगे बाद में, पहले तो बात आ जाती है कि हमको सोलर प्लेट कैसे लगवानी है, अपने पैसों से लगवानी है या गवर्नमेंट पहले पैसे देगी। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ, पहले आपको अपने खुद के पैसों से सोलर प्लेट लगवानी है। और सोलर प्लेट भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आसपास में से किसी भी मिस्त्री को यहाँ पर पकड़कर सोलर प्लेट लगवा लेंगे। यहाँ पर लिखा है इम्पेंड वेंडर इन माय एरिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सोलर प्लेट लगवाने के लिए वेंडर डिसाइड है उन्हीं से आपको सोलर प्लेट लगवानी है। यहाँ पर बहुत सारे वेंडर की डिटेल आ जाएगी, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, उनसे आपको अपने घर पर सोलर प्लेट लगवानी है। सोलर प्लेट लगवाने में कितना खर्चा आएगा, जैसे हमारा 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो जब आप फॉर्म भरते हैं उसी टाइम यहां पर आपको बता दिया जाता है कि आपको सोलर प्लेट लगवाने में कितना पैसा लगेगा। 2 किलोवाट पर यहां पर आपको लगेगे लगभग पूरे 1 लाख रुपए। अगर आप यहां पर 3 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 3 किलोवाट में यहां पर लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब आपका पैसा लगेगा, जो पैसा आपको खुद से लगाना है। और सोलर प्लेट जब आप अपने घर पर लगवा लेंगे वेंडर के द्वारा तो यहां पर आपको वेंडर की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस पर वेंडर मोहर मार के देगा, उस सर्टिफिकेट को यहां पर आपको अपलोड करना है। अगर दोस्तों आप चाहे तो मेन वेबसाइट में अगर यहां पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा इंप्लीमेंट वेंडर, इस पर क्लिक करके भी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सभी वेंडर की डिटेल को यहां पर चेक कर सकते हैं और उनके मोबाइल नंबर पर फोन करके अपने घर का एड्रेस देकर उनसे अपने घर पर सोलर प्लेट लगवा सकते हैं।
अब जब आपके घर पर सोलर प्लेट लग जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ वेंडर, यानी किस वेंडर से आपने सोलर प्लेट लगवाई है, तो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी कंपनी का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपने एरिया को सिलेक्ट करना है, अर्बन है या रूरल है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा इन्वर्टर एंड पीवी मॉड्यूल डिटेल, तो यानी उसकी डिटेल डालनी है, सोलर प्लेट जो आपने लगवाया है उसका फोटो यहाँ पर क्लिक करके डालना है, और प्रोटेक्शन चेकलिस्ट, यानी प्रोटेक्शन चेकलिस्ट जो आपको मिली है वहाँ पर आपको गाइडलाइन बताई गई होगी तो उसकी भी यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है। उसके बाद इसको आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिर से यहाँ पर इंस्पेक्शन में पहुंच जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर फॉर्म भरा था तो हमारा अप्रूवल के लिए गया था, उसके बाद जब हम सोलर प्लेट घर पर लगवा लेते हैं तो उसके बाद भी हमारी जाँच होती है। ये जाँच इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर योजनाओं में फ्रॉड करते हैं। आपको पता होगा सरकारी मकान की जो योजना है वो गरीबों के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अमीर लोग भी उस योजना को यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और उसका लाभ उठा लेते हैं। तो गवर्नमेंट इसीलिए यहाँ पर आप जब डिटेल सबमिट करेंगे तो फिर से यहाँ पर आपकी जांच की जाएगी। अगर आपने रियलिटी में अपने घर में सोलर प्लेट लगवाई होगी तो फिर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। पैसा आपके किस अकाउंट में आ जाएगा, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको बैंक डिटेल भी यहाँ पर ऐड करनी है। अगर आपने उस टाइम बैंक अकाउंट को ऐड नहीं किया था तो यहाँ पर सबमिट बैंक डिटेल पर जाकर आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत सारी योजना ऐसी होती है सालों तक लटकी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर पोर्टल में लिखा है कि जब आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन डिटेल को सबमिट कर देंगे तो उसके 30 दिन के अंदर जो भी आपकी सब्सिडी है वो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। सूर्यघर योजना में नंबर आने के बाद आपको क्या करना है, मैंने ये समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगता है वीडियो में कुछ कमी है, कुछ चीज छूट गई है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिसको इस योजना के बारे में नहीं पता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।